हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों को मेरे इस चैनल पे। सो गाइस, अभी सुबह के 9:30 बज चुके हैं और मैं भी उठ गई हूँ। मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है, नाश्ता भी हो गया है मेरा। और नाश्ते में मैंने दाल चावल और टमाटर का चटनी बनाया था। सब्जी मेरे पास एक भी नहीं था तो इसलिए मैंने टमाटर का चटनी बनाया था। वैसे कल ही परसों मैं घर से आई हूँ इसलिए मेरे पास सब्जी एक भी नहीं है। तो आज मैं शाम को सब्जी लेने जाऊंगी, एक दो तो सब्जी लेके आऊंगी। और आज मुझे असाइनमेंट भी बनाना है बहुत सारा अपना कॉलेज का, तो आप लोगों को मैं अपना असाइनमेंट दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा असाइनमेंट, मुझे बहुत सारा लिखना है। 30 तारीख तक लास्ट डेट है और जमा भी करना है। अगर जमा नहीं करेंगे तो फिर लेट फाइन लग जाएगा, इसलिए मैं टेंशन में हूँ। वैसे आप लोग जानते ही हैं कि मेरे घर में शादी है और शादी का टेंशन, ऊपर से असाइनमेंट बनाना है, बहुत सारा सामान भी खरीदना है, कैसे करेंगे इतना सारा काम, इसलिए मैं परेशान हूँ। तो आज मैं असाइनमेंट बना के कंप्लीट करती हूँ। एक ही दिन में तो ख़त्म नहीं होगा, एक कॉपी ख़त्म कर लेंगे आज हम, तो दूसरा कॉपी कल या परसों को ख़त्म करेंगे। तो आज मैं चौक भी जाने वाली हूँ, मुझे अपना पैसा वगैरह निकालना है सामान वगैरह खरीदने के लिए। तो इसलिए मैं आज टाउन जाऊँगी, अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लेती हूँ पहले एक कॉपी लिख के। तो फिर चलिए, फिर मैं पहले लिख लेती हूँ असाइनमेंट, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइस, फाइनली मेरा असाइनमेंट कंप्लीट हो गया है। मैंने एक कॉपी ख़त्म कर लिया है और एक कॉपी बाकी है, वो मैं कल या परसों लिखूंगी। अभी बहुत ज़्यादा हाथ दर्द कर रहा है, प्लस मुझे चौक भी जाना है, काम है, अपना पार्सल भी लेना है। तो चलिए फिर मैं अभी जाती हूँ नहाने धोने, उसके बाद फिर मैं तैयार होकर फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। सो गाइस, मैं रेडी हो गई हूँ और मैंने अपना बैग भी ले लिया है और साथ में अपना पासबुक भी ले लिया है। मेरा ATM बंद हो गया है तो अभी मुझे पासबुक से ही काम चलाना पड़ रहा है। तो अभी मैं पहले बैलेंस चेक कर लूँगी अपना, उसके बाद मुझे पैसा निकालना है। मुझे पता नहीं कि मेरा अकाउंट में बैलेंस कितना है, क्योंकि मैंने फ़िलहाल में ही पैसा निकाला था 10,000। तो चलिए फिर अभी मैं चलती हूँ। सो गाइस, मैं निकल गई हूँ टाउन जाने के लिए। अभी मुझे बहुत कुछ ख़रीदना भी है, अपना पार्सल भी लेना है, मेरा एक पार्सल आ रहा है। तो चलिए फिर मैं टाउन पहुंच के अगर मौका मिलता है तो आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइस, फाइनली मैं रूम पहुंच गई हूँ और मैंने अपना पार्सल भी ले लिया और भी कुछ कुछ मैंने ख़रीदा है, शॉपिंग किया है। मैंने अपने भाई के लिए कपड़ा लिया है और मेरी एक चाची है उनके लिए भी मैंने साड़ी लिया है। तो चलिए फिर मैं अपना सामान दिखाती हूँ, मैंने क्या क्या लिया है और मेरा क्या पार्सल है। सो गाइस, चलिए सबसे पहले मैं अपना पार्सल दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरा पार्सल, मैंने मेसो से मंगाया है। ये 2-4 दिन पहले ही आया था, तो मैंने अपनी फ्रेंड को रखने के लिए कहा था रिसीव करने के लिए, तो इसलिए मैं फिर आज ही गई लेने के लिए। मुझे टाइम नहीं मिला था इसलिए मुझे आज मौका मिला तो आज मैं ले ली। तो ये देखिए, मैंने मेसो से अपना घड़ी मंगाया है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो मैंने इसे मंगा लिया। ऐसे तो मेरे पास एक घड़ी है, उससे भी ज़्यादा अच्छा ये घड़ी लग रहा है, ये मैं शादी में पहनूंगी, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसका डब्बा आप लोग देख रहे हैं कितना बड़ा सा दिख रहा है, चीज़ छोटा है लेकिन डब्बा बड़ा है। और चलिए और भी कुछ दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए, मैं अपनी चाची के लिए साड़ी ली हूँ, उसने मुझे पैसा दिया था ख़रीदने के लिए, तो मैंने उसके लिए साड़ी ख़रीदा है। पता नहीं उसे पसंद आएगा भी या नहीं, मुझे ये अच्छा लगा इसलिए मैंने ये साड़ी ख़रीद लिया है। ये साड़ी शादी में पहनने के लिए है, तो उसने मुझे कहा कि तुम अच्छा अच्छा साड़ी खरीदती हो, तो इसलिए उसने मुझे पैसा दिया जब मैं घर गई थी। तो फिर मैं पैसे लेके आई और मैं आज ही ये साड़ी ख़रीद के लेके आई, मुझे अच्छा लगा। और मैंने अपने भाई के लिए भी जीन्स लिया है, वो भी मैं। तो ये देखिए, मेरा छोटा भाई के लिए जीन्स ली हूँ मैं, कभी उसके लिए जीन्स नहीं लिया है मैंने, पहली बार उसके लिए जीन्स ले रही हूँ। ये देखिए, उसे पसंद आएगा या नहीं ये तो नहीं पता, वो तो देने के बाद ही पता चलेगा। कलर मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसलिए मैंने ये जीन्स ले लिया, क्योंकि वो गंदा बहुत जल्दी करता है, इसलिए मैं डीप कलर ली हूँ, क्योंकि मुझे डीप कलर ही ज़्यादा अच्छा लगता है। कोई भी कपड़ा हो, मुझे डीप कलर बहुत अच्छा लगता है। शर्ट तो मैंने नहीं लिया है, शर्ट मैं बाद में लूँगी,
कल परसों मेरी दीदी लोग आ रही है शॉपिंग वगैरह करने के लिए शादी के लिए, तो उसी समय मैं भाई के लिए शर्ट लूँगी। मैंने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा है, बस एक सेंट खरीदा है। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, ये सेंट काफ़ी अच्छा खुशबू आता है, इसलिए मैंने ये सेंट केवल लिया है और कुछ नहीं लिया है। और भी कुछ कुछ शॉपिंग करना है, वो मैं कल परसों करूँगी शॉपिंग। तो चलिए फिर मैं अभी पहले सजा लेती हूँ ये सबको। तो गाइस मैंने सबको सजा दिया है, कपड़ा भी फोल्ड करके रख दिया मैंने, और अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही है। उधर से आने में भी मुझे लेट हो गया, और उसके बाद मैं खाना खाने के बाद फिर मुझे असाइनमेंट भी बनाने जाना है, क्योंकि मुझे असाइनमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 30 तारीख तक लास्ट डेट है, मुझे जमा भी करना है। तो चलिए फिर मैं पहले खाना खा लेती हूँ, उसके बाद असाइनमेंट बनाने चलती हूँ। तो ये वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ, आई होप मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।